नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 6 राशि के लोगों की जिनकी 9 अक्टूबर 2017 से लगने जा रही है लॉटरी। जी हां, लग्जीरियस लाइफ, गाड़ी, जमीन, जायदाद, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, रुपया, पैसा, यशमान, प्रतिष्ठा के कारक देव दैत्य गुरु शुक्रदेव अपने ही मित्र बुध यानी कन्या राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। कौन सी है वो 6 राशियां जिन्हें शुक्रदेव कर देंगे मालामाल। विस्तृत जानकारी प्रारंभ करने से पहले मित्रों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। मित्रों, इसी चैनल के माध्यम से हम आप तक रोज ऐसी ही रोचक जानकारियां पहुंचाते हैं। 9 अक्टूबर 2017 को रात्रि 9:10 पर शुक्रदेव सिंह राशि को छोड़कर अपने मित्र यानी कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कन्या राशि में शुक्रदेव 3 नवंबर 2017 तक रहेंगे। मित्रों, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, यह फलादेश चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वह 6 राशियां जिन पर शुक्रदेव होने जा रहे हैं मेहरबान और बना देंगे इन्हें धनवान। 6 राशियां जिनकी लगने जा रही है लॉटरी, उनमें से सर्वप्रथम राशि है मित्रों वृष राशि। जी हाँ, वृष राशि के लोगों का व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन का आवागमन श्रेष्ठ रूप में देखने को मिलेगा। वाणी में मधुरता बनेगी। स्वास्थ्य पक्ष में सुधार देखने को मिलेगा। जिन व्यक्तियों को जॉब से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उन्हें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे। संतान पक्षीय शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय श्रेष्ठ कारक रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ प्रेम संबंध मधुर बनेंगे। दूसरी राशि जिस राशि के लिए लाए हैं शुक्रदेव सुख समृद्धि की सौगात, वह है मित्रों मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि के लोगों की जीवन शैली में एक अलग सा बदलाव देखने को मिलेगा। कार्य के प्रति प्रसन्नता व कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। भौतिक सुख व मात्र सुख के अंदर देखने को मिलेगी वृद्धि। माता का स्वास्थ्य रहेगा पुष्ट। व्यापारी वर्ग को व्यापार में वृद्धि व नौकरी पेशा वालों को पदोन्नति के योग बनते नजर आ रहे हैं। तीसरी राशि जिस राशि को शुक्रदेव करने जा रहे हैं मालामाल, वह है मित्रों सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि के व्यक्तियों को स्वयं के कर्म क्षेत्र में मिलने जा रहा है श्रेष्ठ मुकाम। कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। भाग्य का पूर्ण साथ देखने को मिलेगा। कुटुंब परिवार का पूर्ण साथ रहेगा। भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। अगर आप कोई वाहन, मकान, जमीन, जायदाद खरीदने का सोच रहे थे तो यह समय श्रेष्ठ फल कारक रहेगा। वाणी में देखने को मिलेगी मधुरता। चौथी राशि है मित्रों कन्या राशि, जिस पर शुक्रदेव होने जा रहे हैं मेहरबान। जी हाँ, कन्या राशि वाले व्यक्तियों को भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी को पैसा दिया हुआ था तो वापस आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पिता से स्नेहता देखने को मिलेगी। पिता की सलाह लेकर किए गए कार्यों में शीघ्र सफलता देखने को मिलेगी। स्वयं का व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी व दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। जिन बालक कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के प्रस्ताव सामने आएंगे। पांचवी राशि जिस राशि के लिए शुक्रदेव खोलने जा रहे हैं कुबेर का खजाना, वह राशि है मित्रों वृश्चिक राशि। जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातकों को जमकर धन लाभ होगा। बड़े भाई बहनों से प्रेम संबंध मधुर बनेंगे। आकस्मिक लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं। संतान पक्षीय शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। पेट से संबंधित समस्याओं से मिलेगी निजात। प्रेम संबंधों में मधुरता व मेमोरी रहेगी बड़ी शार्प। और अंतिम यानी छठी राशि जिस राशि पर शुक्रदेव होंगे मेहरबान, वह राशि है मित्रों मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वाले व्यक्तियों को भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कर्म क्षेत्र में मिलेगी सफलता। धन वृद्धि के योग देखने को मिल रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। विदेश यात्रा के योग बनते नजर आ रहे हैं। धार्मिक कार्यों में होगा खर्च। तो मित्रों, यह है वह 6 राशियां जिन्हें 9 अक्टूबर से शुक्रदेव करने जा रहे हैं मालामाल। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।